हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सिलेबस की श्रृंखला में क्लास टेंथ का टॉपिक चल रहा था प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद। इसमें हमने पहले वाले वीडियो में प्रधानमंत्री की शपथ व मंत्रियों की शपथ के बारे में पढ़ा। आज जो हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में क्या है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य रहे सदस्य रहे अधिकतम 6 माह तक प्रधानमंत्री या मंत्री रह सकता है। ये बात कौन संक्षेप में है? अनुच्छेद 75(5) में, कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है या मंत्री रहता है तो वो अधिकतम 6 माह तक क्या कर सकता है? प्रधानमंत्री या मंत्री रह सकता है। 6 महीने के बाद, 6 माह के बाद उसको किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, या तो लोकसभा की या राज्यसभा की सदस्यता उसको लेनी पड़ेगी। अधिकतम कितने माह तक रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। अब अनुच्छेद 75(6) के अंदर क्या है? 75(6) में जो प्रधानमंत्री व मंत्रियों के वेतन भत्ते व पेंशन का उल्लेख है, इन पीएम व मंत्रियों के वेतन भत्ते व पेंशन का उल्लेख है। समझ गए ना क्या है? प्रधानमंत्री व मंत्रियों के वेतन भत्ते व पेंशन कौन संक्षेप में है? अनुच्छेद 75(6) के अंदर। अब अनुच्छेद 75 में क्या है? अनुच्छेद 75 में है कि राष्ट्रपति केंद्र में केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए राष्ट्रपति केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए एक महान्यायवादी की नियुक्ति कर दी। यानी केंद्र में महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ध्यान में रखना, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये महान्यायवादी का क्या कार्य है? यानी ये जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है वहां पे सरकार का पक्ष रखता है। कौन है? महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 77 क्या है? अनुच्छेद 77 में है कि राष्ट्रपति केंद्र में मंत्रियों के लिए कार्य
संगठन के नियम तैयार करेगा। राष्ट्रपति केंद्र में मंत्रियों के लिए कार्य आवंटन, ध्यान में रखना, मंत्रियों के लिए कार्य आवंटन के नियम तैयार करेगा, के नियम तैयार करेगा, ठीक है ना। केंद्र में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किसकी सिफारिश पर किया जाता है, उनको पोर्टफोलियो किसके द्वारा किया जाता है, वो सिफारिश को प्रधानमंत्री करेगा, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, किसकी सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश, समझ गए ना। इतनी बार आप देखेंगे प्रधानमंत्री के कार्य या कर्तव्य, समझ गए ना इतनी बात को, प्रधानमंत्री के कार्य कौन कौन से कार्य प्रधानमंत्री द्वारा किए जाते हैं, अनुच्छेद 78, कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 78 में क्या है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य, कौन से अनुच्छेद में है ये, अनुच्छेद 78 के अंदर क्या दे रखा है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अब राष्ट्रपति जब कभी भी, राष्ट्रपति जब कभी भी, राष्ट्रपति जब कभी भी केंद्र के प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना केंद्र के प्रशासन से संबंधित संबंधित कोई भी सूचना मांगता है मांगे तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा तो प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को उचित सूचना उपलब्ध कराए, कि राष्ट्रपति को उचित सूचना उपलब्ध कराए, समझ गए ना इतनी बात, कौन सी बात है कि राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान होता है, आपको बताया था, और राष्ट्रपति कभी भी प्रधानमंत्री होता है, केंद्र सरकार का मुखिया होता है, उस सरकार के मुखिया से क्या मांग सकता है, कभी भी प्रशासन से संबंधित सूचना मांग सकता है, इससे संबंधित है केंद्र के प्रशासन से संबंधित, तो प्रधानमंत्री की कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को सूचना उपलब्ध करवा दे, समझ गए ना इतनी बात को, प्रधानमंत्री के कार्य पढ़ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री का कार्य देखते हैं कि केंद्र में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सिफारिश करना, केंद्र ने अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को
सिफारिश करना। समझ में आ गई इतनी बात कि जनरल में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सिफारिश करना कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन किसकी सिफारिश पर है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। मंत्रियों को विभागों का आवंटन करना, मंत्रियों को विभागों का आवंटन करना ये भी प्रधानमंत्री का कार्य है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना, मंत्रिपरिषद की इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना कि अध्यक्षता करना, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। अब राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने, आहूत मतलब बुलाने, वह सत्र यानी समाप्त करने संबंधित, वह सत्रावसान करने की सिफारिश करना, करने की सिफारिश करना। समझ गए ना इतनी बात कि राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने इन बुलाने वह सत्रावसान इन समाप्त करने की सिफारिश। बुलाता तो कौन है? राष्ट्रपति, और उसको समाप्त करने की सिफारिश कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा, ठीक है ना। संसद का जो सत्र होता है उसको अगला कार्य है। संसद में जो संसदीय सचिव होते हैं ना, उनकी नियुक्ति करना। केंद्र में संसदीय सचिवों की नियुक्ति करना, की नियुक्ति करना। समझ में आ गई इतनी बात कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। समझ में आ गई इतनी बात कि केंद्र में संसदीय सचिवों की नियुक्ति करना प्रधानमंत्री का कार्य है। अगला कार्य है नीति आयोग के अध्यक्ष वह राष्ट्रीय जो विकास परिषद है के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, वह राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। समझ में आई इतनी बात कि नीति आयोग जो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, नीति आयोग का अध्यक्ष होता वो भी प्रधानमंत्री होता, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। ये नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी कौन होगा? प्रधानमंत्री ही होगा। अगला तो इसका कार्य है वो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करना,
उपाध्यक्ष की नियुक्ति करना। यानी नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। समझ में आई इतनी बात है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। ना देख लेते हैं, देखिए प्रधानमंत्री के कार्य और कार्यों में प्रशासन से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो सूचनाएं किसको उपलब्ध करवाना? राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाना पहला कार्य। उसके बाद में केंद्र में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को क्या करना? सजेशन देना, सुझाव देना। जो पोर्टफोलियो है मंत्रियों के उनको आवंटित करना, विभागों का पोर्टफोलियो मतलब विभागों का बंटवारा करना कि किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो आवंटित करना, विभाग देना है जैसे डिफेंस है, फाइनेंस है, होम मिनिस्ट्री, इस प्रकार से। फिर मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना, यानी जो संयुक्त होंगे ज्वाइंट असेंबली होगी तो वहां पर तो राष्ट्रपति उसको अवगत करेगा, सत्रावसान भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। लेकिन मंत्रिपरिषद की अगर सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर होता, मंत्रिपरिषद में तो सभी मंत्री आएंगे, जो तीन प्रकार के चार प्रकार के मंत्री होते हैं वो सभी आएंगे। लेकिन मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट स्तरीय मंत्री होते हैं जिनके पास बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो होते हैं वही मंत्री आएंगे। तो मंत्रिपरिषद की बैठकों में अध्यक्षता कौन करता है? वो भी प्रधानमंत्री करेगा, ये उसका महत्वपूर्ण कार्य है। अब राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत और सत्रासन की सिफारिश है वो किसके द्वारा की जाएगी? वो भी पीएम के द्वारा की जाएगी, प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाएगी। केंद्र में संसदीय सचिवों की नियुक्ति का इम्पोर्टेंट है कि केंद्र में संसदीय सचिव की नियुक्ति राज्य में भी की जाती है, मुख्यमंत्री का सेल्फ पावर है। और केंद्र के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में ये प्रधानमंत्री का पावर है। नीति आयोग रिप्लेस है योजना आयोग का, उसके अध्यक्ष और राष्ट्रीय जो विकास परिषद है उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, उपाध्यक्ष की नियुक्ति करना। जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। अब नागरिकों के कल्याण के लिए कल्याणकारी नीतियां या जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए नागरिकों के कल्याण हेतु कल्याणकारी नीतियों का निर्माण। नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, गरीब बेरोजगार हैं उनके कल्याण के लिए ऐसी योजनाएं लेकर के आना, उन योजनाओं का निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री का ये कार्य है। आपातकाल में राजनीतिक प्रमुख के रूप में कार्य करना, आपातकाल में राजनीतिक प्रमुख के रूप में प्रमुख के रूप में कार्य करना। ठीक है, जब इमरजेंसी की हालत बनती है देश के अंदर पीएम स्वयं अपना त्याग पत्र देकर त्याग पत्र देकर
संपूर्ण मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। अब प्रधानमंत्री चाहे तो इस्तीफा दे सकता है, त्याग पत्र दे सकता है, इससे मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। अगला है राष्ट्रपति व अन्य मंत्रियों के बीच कड़ी का कार्य, यानी सेतु का कार्य करना, कड़ी का कार्य करना। समझ गए, ये भी प्रधानमंत्री का कार्य के अंदर दे रखा प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य हैं। और परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, इनको नोट डाउन कर लेना। ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर का 10th क्लास में, तो ध्यान रखना। प्रधानमंत्री के हमने कार्य पढ़े कि प्रधानमंत्री के कौन कौन से कार्य हैं, तो ये कार्य हमने देख लिया। नोवा कार्य जैसे नागरिकों के कल्याण हेतु कार्य करना, एक बड़े आपातकाल में राज्य की प्रमुख के रूप में, जब राज्य आपातकाल लग जाता है तो राजनीतिक प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री कार्य करेगा। राज्य की सरकार को भंग कर सकता स्वयं अपना त्याग पत्र दे करके। राष्ट्रपति व अन्य मंत्रियों के बीच किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद होते हैं या किसी प्रकार से विरोधाभास होता है, हितों का टकराव होता है, तो ऐसी स्थिति में मध्यस्थता का कार्य भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अब मानव ऊर्जा के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री ही कार्य करता है, तो ये प्रधानमंत्री के कार्य हमने पढ़ाए हैं, इनको अपनी बुक जो नोटबुक है उसके अंदर लिखते चलना, अच्छे से स्टडी करना, क्योंकि जो ये कोरोना महामारी है रुकने का नाम नहीं ले रही, फिर भी एक बेहतर शिक्षा देने के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाएं, और आपको ये नहीं लगे कि हम शिक्षा से या पढ़ाई से दूर हो रहे हैं। इसलिए हम लगातार 8 मई से लगातार हम ऑनलाइन क्लासें हैं, वो आपके सिलेबस से संबंधित हम डाल रहे हैं। आप इन सभी वीडियो को पढ़ करके और जैसे जब स्कूल लगे तो सिलेबस से संबंधित आपको किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आप पढ़ाई के बिल्कुल क्लोज रहें, बुकों से दूर न हो। अगर 1 घंटे भी आप डेली वीडियो देखते हैं और उसको आप लर्न करते हैं, तो आप निश्चित रूप से जो आप में पढ़ाई का जो एक हौसला है वो बढ़ेगा पढ़ाई के प्रति। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें। जी।